नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज जेम्पी। आमतौर पर मरघट कब्रिस्तान शहर, गांव और बस्ती से काफी दूर होते हैं, जहां लोग तभी जाते हैं जब किसी की मौत हो जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना शहर से 2 किलोमीटर दूर चांदबरी में एक ऐसी बस्ती है जहां की महिलाएं और बच्चे रोजाना कई बार कब्रिस्तान जाते हैं और इनको वहां पर जाने से कोई डर नहीं लगता। महिलाओं और बच्चों का रोज कब्रिस्तान जाने की खास वजह कब्रिस्तान में एक प्राचीन कुएं का होना है, जो 60 से 70 घरों वाली इस बस्ती के लोगों की प्यास बुझाने का सहारा बना हुआ है। यहाँ लोग आते हैं और सालों से पीने का पानी भरकर ले जाते हैं, लेकिन अब कब्रिस्तान के पीने के पानी से यहाँ की महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो एक रहस्य बनकर रह गया है। दरअसल पूरा मामला है प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के विधानसभा क्षेत्र का, जहां के एक गांव में पानी भरने के लिए बस्ती के लोग कब्रिस्तान के बीचों बीच स्थित प्राचीन कुएं तक जाते हैं और इसी कुएं का पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं। वहीं बस्ती के पास ही एक छोटी सी तलैया है जहां मटमैला पानी भरा हुआ है, जहां बस्ती की महिलाएं और बच्चे नहाते धोते हैं। इस बस्ती तक पानी पहुंचाने के लिए दोनों तरफ झाड़ियों से घिरा हुआ कच्चा रास्ता है, जहां पर बारिश और मौसम में पहुंचना किसी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अब ये आदिवासी बस्ती चांदमारी बीते एक हफ्ते से काफी चर्चा में है, क्योंकि इस बस्ती में बीते 10 दिनों के दरमियान किसी रहस्यमय बीमारी के चलते 3 बच्चों की संदिग्ध मौत हो चुकी है और कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। बच्चों की मौत क्यों और किस बीमारी से हुई, इस कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों की मौत और बीमारी का कारण दूषित पानी बताया जा रहा है। लेकिन कब्रिस्तान के बीचों बीच स्थित प्राचीन कुएं के पानी का उपयोग करना इस गांव वालों की मजबूरी इसलिए बनी हुई है क्योंकि सरकार की नल जल योजना इस गांव तक अभी भी पहुंच नहीं पाई है। लेकिन जब इस मामले को लेकर पन्ना कलेक्टर से बात की गई तो उनके द्वारा पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपंप लगवाने के साथ साथ गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के लिए जो कुछ है उसकी जांच कराई गई है। गांव में पहले 2-3 दिन बच्चे बीमार पड़े थे, उनके स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की टीम ने जांच की है। बच्चों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया है जो निगेटिव आया है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत है जिन्हें दवाइयां दी गई है। खैर, कलेक्टर साहब कुछ भी कहें, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन इस गांव की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अगर डॉक्टरों की बात को गंभीरता से लें तो पानी पीने से ही बच्चों की मौत हुई है और ये बात वाकई में परेशान करने वाली है, क्योंकि अगर समय रहते इस गांव से पीने की पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो ना जाने कौन कौन सी बीमारी इन गरीब बच्चों को निगल जाएगी और प्रशासन पल्ले झाड़ता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।